Hi guys, welcome back to my channel Mostly Programming. I hope you have understood the previous lesson of this video series. And agar aap mein se kisi ne nahi dekha hai wo video, to I'll suggest ki please aap is video se pehle lesson number 1 dekhe, kyunki wo is course ka base hai, pure ke pure course ka. So, without any further ado, let's get into the video. So, in today's video, मैं आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में बताऊंगा. ब्रेडबोर्ड देखिए हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स का और आर्डिनो प्रोजेक्ट्स का या आईओटी का बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ब्रेडबोर्ड पे ही जनरली हम सारे सर्किट्स बना के देखेंगे उनको पीसीबी पे डिप्लॉय करने से पहले. तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, उसमें जो कनेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, उससे कैसे इंटरफेस करना है आर्डिनो के साथ, कैसे उसके साथ सेंसर्स लगेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगेंगे, तो वो सारा हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. दूसरा, मैं आपको आज एक जो बहुत प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके बारे में बताऊंगा, विच इज़ एन एलईडी. तो एलईडी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको वीडियो कोर्स के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि हम हर लेक्चर के बाद एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएंगे, आर्डिनो बेसिस प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएंगे, तो आज भी इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम अपना सेकेंड आर्डिनो प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो आज का एक बार जो स्कोप है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आज हम ब्रेडबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, एलईडी के बारे में पढ़ेंगे और अपना सेकेंड आर्डिनो प्रोजेक्ट बनाएंगे. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक टिपिकल हमारा जो जनरली यूज़ होता है ब्रेडबोर्ड, ये वो ब्रेडबोर्ड का एक इमेज है. वैसे तो इमेज काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि मैंने उसके ऊपर मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा. ये जो अभी ऊपर वाले दो हैं ब्लू एंड रेड लाइन के बीच में, ये हमारे बस रहती है एक पूरी की पूरी. एंड जो सिमिलरली नीचे है बॉटम एंड पे, वो भी एक पूरी की पूरी बस है. एंड इनमें जो कनेक्शंस हैं आपस में, होल्स के जो कनेक्शंस हैं, ये हमारे पास जो कनेक्शंस हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस. मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन के सारे होल्स हैं, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं. एंड जो नीचे वाली लाइन है पूरी, ये भी आपस में इंटरनली कनेक्टेड है. इसमें कोई वर्टिकल कनेक्शन नहीं है, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कनेक्शन हैं. और इसको बस क्यों कहा मैंने, आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन होगा कि मैंने इसको बस क्यों कहा. इसको मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई के लिए एंड ग्राउंड के लिए. कि जैसे हम जो रेड वाला है उससे 5 वोल्ट की या 12 वोल्ट की या 3 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करेंगे, तो वो सारी सभी होल्स में सेम सप्लाई जाएगी. सिमिलरली जो ब्लू वाला ऊपर दिख रहा है हमें, उसमें हम ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जो भी सेंसर्स को या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ग्राउंड देना होगा या हमें पावर सप्लाई देनी होगी, तो हम बस का यूज़ करके वो दे सकते हैं. ओके, तो ये तो हो गया हमारा बसेस का. अब जो नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो इसके सेंटर का सारा पोर्शन है वो हमारा है, इसको नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. मतलब हमारे पास 10 लाइंस हैं और ये जो लाइंस हैं ये वर्टिकली कनेक्टेड हैं. मतलब जो हमारा वन जो मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये जो लाइन है 5, मतलब ए बी सी डी ई जो कॉलम हो गया हमारा, ये वर्टिकली कनेक्टेड है. जैसे इस में दिखाया हुआ है जो रेड वाले हैं, हॉल्स अलोंग कॉलम्स आर कनेक्टेड, हॉल्स अलोंग द कॉलम्स आर कनेक्टेड. लेकिन दोनों में जो ये डिवीजन हो रखी है इसके अलोंग कनेक्टेड नहीं है. जैसे ये लिखा हुआ है हॉल्स बिटवीन कॉलम्स नॉट कनेक्टेड, कि जो दो कॉलम्स हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. तो अगर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है ये पूरा का पूरा लाइन, तो हमें इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा. और होल्स अलोंग द रोज आर नॉट कनेक्टेड. ये चीज़ आपको शायद से फ्रंट इमेज से क्लियर नहीं हुई होगी, मैं आपको अभी बैक इमेज दिखाता हूँ तो उससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये क्या है. तो चलिए गूगल पे सर्च करते हैं ब्रेडबोर्ड बैक, ब्रेडबोर्ड बैक साइड. तो देखिए ये इमेज पे हम देखते हैं, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि ब्रेडबोर्ड पे एक्चुअल में क्या है ब्रेडबोर्ड और उसके क्या कनेक्शंस होते हैं.
यहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं है, तो चलिए वापस से वहीं देखते हैं। तो यहाँ से ही मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो हमने बसेस डिस्कस की थी, ये दो जो बसेस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपस में क्या है, पॉजिटिव वाली सारी कनेक्टेड है, नेगेटिव वाली सारी कनेक्टेड है। मतलब उस पर हम पॉजिटिव सप्लाई एक पे दे सकते हैं, नेगेटिव सप्लाई एक पे दे सकते हैं। सिमिलरली हमारी जो ये सेकेंड बस है ये भी सेम है, एक पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, एक पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो वो सभी के सभी होल्स में पहुंच जाएगी वो सप्लाई। तो अब जो बीच में है वो आप देखिए कॉलम्स कैसे कनेक्टेड हैं, जैसे ए बी सी डी ई पूरा का पूरा ऐसे नंबर 1, 2, 30 है हमारे पास, 30 कॉलम्स रहते हैं। तो वन कॉलम जो है उसके ए बी सी डी ई जो होल्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, मतलब ये सारा कनेक्टेड है, ये सारा कनेक्टेड है, ये सारा कनेक्टेड है 1 to 30 तक। सिमिलरली एफ जी एच आई जे आपस में कनेक्टेड है 1 to 30 के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई कंपोनेंट की एक लेग लगा रहा हूँ तो दूसरी लेग मुझे डिफरेंट में लगानी होगी, अगर मैं इसी में लगा दूंगा तो वो शॉर्ट हो जाएगी। आई होप आपको ब्रेडबोर्ड का काम अभी तक क्लियर हो गया होगा, जब हम इसका सर्किट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसके बाद एलईडी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एलईडी की जैसा आप सब लोग जानते हैं, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। जनरली सबने देखी होगी टॉय कार्स में, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज में या कॉम्पोनेंट्स में लगी रहती है एलईडी। तो एलईडी के दो हमारे पास पिन्स होते हैं या दो लेग्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड, नेगेटिव को कहते हैं कैथोड। इसको मुझे ये पिक्चर दिखाने का मेरा मोटिव क्या है कि आपको उसके आइडेंटिफिकेशन का पता लगे। जो हमारी लेग जो है एलईडी की जो बाहर से बड़ी होगी दैट इज पॉजिटिव, एंड जो लेग हमारी जो छोटी है बाहर वो है नेगेटिव। अगर अब एक क्वेश्चन है कि अगर मैं दोनों लेग्स को बराबर कर दूं तो कैसे देखेंगे, तो इसका सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को शायद इमेज से क्लियर हो गया होगा कि जो अंदर है एनोड हमारा छोटा रहेगा एंड एलईडी के अंदर जो कैथोड है वो हमारा बड़ा रहेगा। तो एलईडी का काम क्या होता है कि जब हम इसको एक सर्किट पूरा बना देंगे तो एलईडी हमारी लाइट एमिट करेगी, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जो साइड पे पिक्चर है ये भी आपको क्लियर कर रही है कि हमने क्या किया, नेगेटिव को एक रेजिस्टर लगा दिया, जनरली 330 ओम का रेजिस्टर लगाया होगा आई गेस। तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया एलईडी के कैथोड से एंड पॉजिटिव सप्लाई हमने सीधा दे दी उसको, तो एलईडी हमारी ग्लो करेगी। और यही हमारा आज का प्रोजेक्ट है, हम आर्डिनो के साथ यही सेम चीज़ करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे यूजिंग आर्डिनो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके सो जो अभी मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो उसमें मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सप्लाई ले ली 5 वोल्ट की। सिंपल सर्किट, अभी आर्डिनो के साथ नहीं कर रहे हैं हम ये चीज़, सिंपल सर्किट बता रहा हूँ आपको कि एक एलईडी कैसे वर्क करती है। पॉजिटिव सप्लाई जो हमने एक सप्लाई ले ली 5 वोल्ट्स की, उसको नाम वी एस लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव जो है उसका टर्मिनल वो मैंने कनेक्ट कर दिया एक 330 ओम के रजिस्टर से, और उसको कनेक्ट कर दिया एक एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब एनोड से। एंड जो नेगेटिव हमारा है उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा एलईडी है उसके कैथोड से कनेक्ट कर दिया। तो ये सर्किट हमारा पूरा हो गया। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि ये जो रेजिस्टर है ये मैं नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दूँ, पॉजिटिव पे ना लगा के दोनों से सर्किट चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सर्किट पूरा हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे पॉजिटिव यहाँ से सप्लाई गया और यहाँ पे नेगेटिव ग्राउंड गया, तो हमारा एलईडी एमिट होगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप सबको पता होगा, सिंपली एक पीएन जंक्शन डायोड का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही एक एलईडी का प्रिंसिपल है। तो ये हमारा बेसिक सर्किट था अभी तक का। इसके बाद में आपको जो पिछले वीडियो में रह गया था, जो हमारे सिम्यूलेटर्स हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सिम्युलेटर में आपको जो सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन सिम्युलेटर, दैट इज़ टिंकर कैड, ऑटो कैड का ये सिम्युलेटर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि आप कैसे इस पेज तक आ सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, टिंकर कैड के लिए सर्च करना है गूगल पे जाके। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टिंकर कैड के लिए, जैसे आप सर्च करोगे गूगल पे जाके तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर इनका 3D डिजाइन्स भी रहते हैं, लेकिन हमारा काम है सर्किट्स का, तो हम सर्किट्स पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे हम सर्किट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मैं आप लोगों के लिए सर्किट आज क्रिएट करने वाला हूँ वही करता हूँ, लेकिन आप क्रिएट न्यू सर्किट पे जाके अपना सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए नया करके ही दिखा देता हूँ कि कैसे सर्किट क्रिएट होगा। अगर आप में से कोई ऑनलाइन सिम्युलेटर ना यूज़ करना चाहता हो तो आप प्रोटियस सिम्युलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोटियस 8 पॉइंट समथिंग अभी उसका वर्जन चल रहा होगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, एक कॉम्पोनेंट सर्च किया आर्डुइनो, तो उसको मैंने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा वो सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ पर मेरे पास आर्डुइनो आ गया। सिमिलरली बाकी के कंपोनेंट सर्च कर लेते हैं अभी। एक हमें क्या चाहिए, रेजिस्टर चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, एलईडी चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, ब्रेडबोर्ड चाहिए। ब्रेडबोर्ड का मैं आपको यूजेज के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज कुछ ऐसा ज़रूरत भी नहीं है ब्रेडबोर्ड की इसमें, क्योंकि ये तो सिंपली भी हो सकता है। तो एक हमें ब्रेडबोर्ड चाहिए। तो हमने सारे कॉम्पोनेंट्स एक बार ले लिए। कंट्रोल जी से मैं इसको बैक कर लूँगा। तो अभी हम करते हैं अपना सर्किट क्रिएट। तो जो मैंने आपको सर्किट बताया उसमें हमने क्या करना था, जो हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई है, या मैं ग्राउंड से आपको डायरेक्टली बता दूंगा वो चीज़, सॉरी आर्डुइनो से। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एलईडी लगाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलईडी को देखने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर देखने का क्या तरीका है, जो ट्विस्टेड लेग है हमारी, वो हमारे पास एनोड है क्योंकि वो बड़ी रहती है लेग, एंड जो हमारे पास स्ट्रेट लेग है वो कैथोड है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे एलईडी। और हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हमने लगा दिया हमारा जो है रेजिस्टर। रेजिस्टर यहाँ पे जेनरिक है, अगर आप हार्डवेयर पे बनाएंगे तो 330 ओम का आप रेजिस्टर लगा सकते हैं। इस रेजिस्टर को हम लोग टर्न कर लेते हैं ताकि वो हमारे इजीली यूज़ हो जाए, उसका जो दूसरा एंड है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, हमारे एलईडी के एनोड से एक रेजिस्टर लगा दिया 330 ओम का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे 330 का चाहिए या 350 का लगा लीजिए तो 350 का, और उसके यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं पीको से लेके, हमारे पास किलो मेगा गीगा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हमें ओम्स चाहिए तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो वायर मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया उस पर, राइट। तो अभी जस इसको अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो सप्लाई है 5 वोल्ट की उससे कनेक्ट करूँगा। तो मैंने दूसरा लिया और आप किसी भी पिन पे भेज सकते हैं। तो सपोज करते हैं मैंने इसको पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया, D11 से। तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपली एक सेकेंड थोड़ा सा, या ओके, तो यहाँ पे ओके, तो ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक पे, और इसका चेंज कर देते हैं रेड पे, क्योंकि वो हमारा जनरल जो है यूज़ करने के लिए वही हम करते हैं। तो ये हमारा बेसिक एक जो सर्किट है आज के प्रोजेक्ट के लिए वो पूरा हो गया। मैंने क्या किया, पिन नंबर 11 को कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर की एक लेग से, और वो लेग जा रही है हमारे एलईडी के एनोड पे, और दूसरी लेग को मैंने सिंपली क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही अब मैं 11 पे इसको सप्लाई दूंगा तो ये ग्राउंड से तो कनेक्टेड है, दूसरी साइड से तो हमारा एलईडी टर्न ऑन हो जाएगा। अब शायद कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैंने रेजिस्टर क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि इसके जो पिन्स है डिजिटल, वो उनके पास इंटरनल पुल अप रेजिस्टर है, तो अगर आप रेजिस्टर नहीं भी यूज़ करोगे तो भी वो एलईडी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए रेजिस्टर लगा दिया। तो आपको यहाँ तक सर्किट आई गेस क्लियर हो गया होगा, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग पार्ट पर मूव करते हैं। तो चलिए प्रोग्रामिंग पर अब अपना फोकस करते हैं। तो जो आप स्क्रीन पे अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, स्केच देख रहे हैं, वो जो हमने कल स्केच क्रिएट किया था वो है। आज का हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी सिमिलर है उससे, लेकिन आज बस हम क्या कर रहे हैं, कल हमने इंटरनल एलईडी को ब्लिंक करवाया था, आज हम एक्सटर्नल एलईडी को ब्लिंक करेंगे। तो कल की तरह फाइल में जाके एक न्यू स्केच के लिए हम खोलेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, और हमारे पास वॉइड सेटअप वही सारा पूरा हमारे पास आ गया। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें क्या करना है,
इंटीजर डेटा टाइप, उस वेरिएबल का नाम, सपोज मैंने एलईडी पिन ही उसका नाम दे दिया, उसको एक वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू क्या असाइन करनी है? जिस पिन पे हम एलईडी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने सर्किट में भी यहाँ पे जो सर्किट बनाया था उसमें हमने पिन नंबर 11 पे कनेक्ट की थी, तो हम प्रोग्राम में भी पिन नंबर 11 ही लिखेंगे। तो हमारा बेसिक काम हो गया। अब सेटअप पे हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे हम पिन मोड डिफाइन करेंगे। अभी तक के लिए हमारा पिन मोड ही डिफाइन करने का है सेटअप में। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे और भी चीज़ें एडअप होती जाएंगी। आप बस सिंटेक्स का ज़रूर ध्यान रखिए, सॉरी कीवर्ड्स का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको इसी सेम इसमें लिखना पड़ेगा, PIN स्मॉल में, M कैपिटल, ODE स्मॉल में। उसके बाद हमारा जो वेरिएबल का नाम है, मतलब पिन का जो हमने नाम दिया है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो उसको जिस भी मोड में हमें ऑपरेट करना है, सेमीकॉलन हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए। अब वॉइड लूप में हम क्या डालेंगे, जिस कोड को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो हम इस पे क्या करेंगे, सिंपली डिजिटल राइट कर देंगे क्योंकि डिजिटल पिन पे कनेक्टेड है, डिजिटल राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एलईडी पिन सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और इसको हाई कर देंगे। उसके बाद कुछ डिले के लिए, कुछ टाइम के लिए इसको ऑन रहने देंगे, सपोज 1000 सेकंड्स के लिए हमने इसको ऑन कर दिया, 1 सेकंड के लिए, सॉरी 1000 मिली सेकंड्स के लिए। और उसके बाद मैंने इसको 1000 मिली सेकंड्स के बाद लो कर देंगे, एलईडी पिन कॉमा लो, और फिर मैंने 1000 मिली सेकंड्स का डिले दे दिया 1000। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको अब हम करते हैं अपने आर्डुइनो सर्किट पे अपलोड। उसका वीडियो मैं यहाँ पे आपको साइट पे शो करवा दूंगा जो हमारा सर्किट रहेगा। तो अभी हम देखते हैं उसका एक कि इसको कैसे अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले क्या दो चीज़ें मेक श्योर करनी है कि पहले तो प्रोग्राम सेव कर लीजिए कंट्रोल एस यूज़ करके। उसको नाम दे देते हैं सेकेंड आर्डुइनो प्रोजेक्ट। इसकी फाइल भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव कर लिया। फर्स्ट स्टेप था हमें अपना जो स्केच है उसको सेव करना है। उसके बाद टूल्स में जाके हमें देखना है कि हमारा बोर्ड सही सिलेक्टेड है। यस, आर्डुइनो जेन्युइनो यूनो सिलेक्टेड है। एंड हमें चेक करना है कि जिस पोर्ट पर हमारा आर्डुइनो बोर्ड कनेक्टेड है क्या वो सिलेक्ट हो गया। तो हमने दोनों चीज़ें हमारी सही हैं, तो हमें बस क्या करना है, प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना है। तो अभी हमारा प्रोग्राम कंपाइलिंग स्केच आपको स्क्रीन पर विजिबल ही होगा कि द प्रोग्राम इज कंपाइलिंग। जैसे ही कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद हम प्रोग्राम को अपलोड करेंगे आर्डुइनो बोर्ड से, आर्डुइनो बोर्ड पे। तो एक बार मैं वीडियो पॉज कर देता हूं क्योंकि कंपाइलेशन में काफी टाइम लग रहा है। ओके, चलो हो गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपाइलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक आध सेकेंड में डन हो जाएगा कंपाइलेशन अगर कोई एरर ना हुआ। मैंने कल भी आपको बताया था मेरे पीसी में इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे बोर्ड्स काफ़ी इंस्टॉल्ड है आर्डुइनो में। तो बोर्ड्स की इंस्टॉलेशन हम आगे देखेंगे कि कैसे करना है। कंपाइलिंग हो चुकी है, अब हम अपलोड करते हैं प्रोग्राम को। तो हमारा प्रोग्राम अब अपलोड हो चुका है। तो एलईडी यहाँ पे मेरे पास ब्लिंक कर रही है, उसकी आउटपुट मैं आपके स्क्रीन पे साइड पे आपको शो कर दूंगा। तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट था। तो इसके बाद मैं आपको एक और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग टिप्स देना चाहूँगा। जैसे हमने यहाँ पे डिले को 1000 मिली सेकेंड मैथमेटिकली लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं, डेक्लारेशन सेक्शन में ऊपर लिख दे इंट डिले इक्वल्स टू, डिले का कुछ और नाम भी दे देते हैं क्योंकि वो एक इनबिल्ट फंक्शन है, इंट
a delay is equals to 1000, और यहाँ पे मैं 1000 की जगह क्या पास कर देता हूँ, अ डिले. इससे क्या होगा कि अगर प्रोग्राम में आपको डिले चेंज करने की ज़रूरत पड़ी और 1000 लाइंस का प्रोग्राम है तो आपको हर जगह जाके वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन में उसको चेंज कर सकते हैं. तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ तो सिमिलरली ये भी अपलोड हो जाएगा. तो प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा देन अपलोड होगा, तो प्रोग्राम अभी कंपाइल हो रहा है एंड जब अपलोड हो जाएगा तो सेम आउटपुट आएगी, वो मैं आपके स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा. और इसके बाद एक छोटी सी टिप आपको और दूंगा प्रोग्रामिंग की, और हमारा सेकेंड जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा उसी के साथ. एंड प्रोग्राम हमारा अपलोड हो चुका है एंड आप देख सकते हैं जो हमारी एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैं आपको नई टिप देने वाला हूँ कि यहाँ पे हम हाई एंड लो लिख रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है अगर हम ट्रू एंड फॉल्स लिखे. एक सेकेंड, उसका सिंटेक्स मुझे ध्यान में नहीं है. हाई, इसको सारे को स्मॉल में आ, तो सारा का सारा स्मॉल में अगर ट्रू एंड फॉल्स लिख रहे हैं तो वो भी सेम चीज करेगा. इसको अब अपलोड करेंगे तो इससे भी सेम एलईडी हमारे पास ब्लिंक होगी. एंड वो क्यों हो रही है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स का भी वही मतलब है, वन एंड जीरो. तो आई होप आपको ये सारा प्रोजेक्ट आज का क्लियर हुआ होगा. अब 01 भी लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली. मैं ट्राई करता हूँ कि 1 and 0 से भी हो जाएगा. चलिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि आप कोई भी वैल्यू है उसको एक वेरिएबल नेम देके फिर उसको यूज़ करें प्रोग्राम में, और आप हाई लो की जगह ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं. उसका केस सेंसिटिव वाली चीज़ का आप ध्यान रखिए, ट्रू आपको सारा स्मॉल में लिखना है, फॉल्स आपको सारा स्मॉल में लिखना है. तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो ये लेक्चर, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी. थैंक यू वेरी मच.